नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरू। आप देख रहे हैं अपना चैनल एनजी बर्ग। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ लाडली बहना के बारे में। इसमें जो नया आदेश आया है निकल के, उसकी पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। उसमें क्या आदेश है, क्या नया अपडेट होने वाला है और कब इसका पैसा डलने वाला है जो लाडली बहना है उनका। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, आपको जल्दी ही रिप्लाई दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर MP डॉक्टर मोहन यादव की मतलब दिन भर की गतिविधि होती हैं वह बताई गई हैं। तो हम थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने रीवा एयरपोर्ट का लोकार्पण कर दिया है। डबल इंजन की सरकार है, वह बहुत ही तेज़ी से रफ्तार से चल रही है, यानी कि इसमें अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर देख भी सकती हो, वाराणसी से राष्ट्र को 6700 करोड़ की 23 महत्वपूर्ण मतलब सुविधाएं वो दी गई हैं। और यहाँ पर देख सकते हो लाडली बहना योजना की 18वीं किस्त कब आएगी। यहाँ पर लाडली बहना योजना की 17वीं किस्त सफलतापूर्वक बहनों के खाते में 5 अक्टूबर को भेज दी गई। इसके बाद सभी बहनों को 18वीं किस्त की तिथि जानना चाहती हैं तो आपके जानकारी के लिए बता दें, लाडली बहना योजना 18वीं किस्त का पेमेंट दीपावली और धनतेरस को देते हुए 27 अक्टूबर 2024 को आने की पूरी संभावना है। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा अभी सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर प्रक्रिया आना बाकी है, क्योंकि जब भी लाडली बहना योजना का पेमेंट भेजा जाता है तो मुख्यमंत्री द्वारा जरूरी इस पर ट्वीट करने की जानकारी दी जाती है। और सूत्रों से मिली अपडेट, यहाँ पर देख सकते हो आप क्या अपडेट मिली गई है। जो तीसरा राउंड है वह भी चालू होने की यहाँ पर आशंका बताई गई है। यहाँ पर तो यहाँ पर तीसरा राउंड है, उसके लिए 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में महिला या भाई बहन होना चाहिए यहाँ पर। और आपको बता दें लाडली बहना योजना का थर्ड राउंड दीपावली से पहले शुरू होने की आशंका बताई गई है, या फिर जो मतलब बताया गया यहाँ पर कंफर्म नहीं किया गया है। यहाँ पर दोस्तों लाडली बहनों को लेकर अभी बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। यहाँ पर 18वीं किस्त दी जाए या फिर नहीं दी जाए, संपूर्ण जानकारी आर्टिकल में आपको बताने वाले हैं। इसके लिए दोस्तों आप 18वीं किस्त का पैसा लाडली बहनों के खाते में क्या दीपावली से पहले दिया जाएगा या फिर बाद में दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लाडली बहना योजना दीपावली उपहार, तो इस पर भी आपको नीचे की तरफ और स्क्रॉल करके ले चलते हैं। यहाँ पर आप सभी बहनों को 18वीं किस्त का पैसा, दोस्तों आपको बता दें कि दीपावली से पहले लाडली बहनों को डबल राशि मिलने जा रही है, साथ ही दीपावली का बोनस भी मिलने जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं, दोस्तों चलिए हम आपको बात कर लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यह जो आर्टिकल लिखा है किसी यूट्यूबर ने लिखा था और इसमें कुछ गलत सलत भी जानकारियाँ लिख दी हैं, तो आप इस जो जानकारी है इस जानकारी को जान के भ्रमित ना हो। मैंने इस पर पढ़ा, यहाँ पर काफ़ी गलत जानकारियाँ बताई गई हैं और इधर का उधर भी कर दिया गया है, क्योंकि इसमें जो आर्टिकल है यह आर्टिकल PM किसान सम्मान निधि से रिलेटेड था, तो किसी यूट्यूबर ने इसको इसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करके कॉपी करके इसको लाडली बहना योजना के जो आर्टिकल है उसके समस्त बना दिया इसको, पर ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो दोस्त इस जानकारी से बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, अभी पैसा आने की कोई आशा नहीं है। तो दोस्तों धन्यवाद, ये वीडियो थी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। और ऐसा कोई यूट्यूबर अगर आर्टिकल लिखता है तो उसको आप अनसब्सक्राइब